हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस प्रोग्राम में आज के मैं आपसे बात करूंगा मासिक राशिफल के विषय में आपके। और ये जो मासिक राशिफल है साथियों, ये जुलाई 2021 से संबंधित है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं आपके मासिक राशिफल के विषय में। और सर्वप्रथम हम चर्चा आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। और मेष राशि के जो जातक हैं उनका प्रोफेशन व्यवसाय को लेकर के बताएंगे आपको कि इस महास्थिति आपके प्रोफेशन की कैसी रहने वाली है, जिस प्रोफेशन में भी आप कार्यरत हैं। तो देखिए जो ग्रहों की स्थिति मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूं मेष लग्न के जो सूर्य हैं और उनके साथ बुध की युति बन रही है 7 जुलाई से तृतीय भाव में, उसके होने से जो छात्र लोग हैं, छात्र जो हैं उनको अपनी एजुकेशन से संबंधित अपने साथ साथ, यानी कि अगर आप अपने किसी प्रोफेशन में भी हैं, कुछ अपना कार्य कर रहे हैं और साथ साथ एजुकेशन भी कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अपने जॉब के साथ साथ वो अपना एजुकेशन भी चलाते रहे, कंटिन्यू करते हैं, तो उनके लिए ये जो पीरियड है 7 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच का, जुलाई के बीच जो जो जुलाई की तारीखें हैं 7 जुलाई से 16 जुलाई की बीच की, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशन की, जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रोफेशन के विषय में बताएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि शनि आपके करियर के लॉर्ड हैं और वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं 10th हाउस में, जो कि करियर के लिए देखा जाता है, लेकिन ये वक्री अवस्था में है इस समय। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने प्रोफेशन में, यानी अपने व्यवसाय में, मतलब ग्राफ जो है वो हर प्रकार के अनुभव होंगे, अच्छे भी होंगे और खराब भी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छे अनुभवों का भी आप आनंद लेंगे, थोड़ा सा परेशानियां भी रहेंगी साथ साथ, लेकिन ऐसी विशेष परेशानियां नहीं रहेंगी कि जिसके कारण आप बहुत विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि होता है छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं जब भी आप कहीं काम करते हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा आपको। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव भी मिलेंगे, तो कहीं आपको थोड़ा सा परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, तो कहीं आपको कुछ अच्छा भी रहेगा, आपके लिए बेहतर भी होगा। इस प्रकार का मिले जुले, जिसको हम कह सकते हैं अंत में कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति इस माह आपको अपने प्रोफेशन में होने वाली है। अब आएंगे आपकी आर्थिक स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है। तो देखिए फाइनेंशियल कंडीशन की मैं जहां तक बात है बताना चाहूंगा कि शनि आपके जो फाइनेंशियल, मतलब एक तरीके से जो लाभ का घर है, इनकम का, उसके भी लॉर्ड है। तो जो इनकम आपको पहले से हो रही थी उसमें थोड़ा सा या तो रुकावट या थोड़ी सी बाधा, थोड़ा सा कहा है मैंने, कुछ इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको धन प्राप्त ना हो, धन होता रहेगा, लेकिन थोड़ा, या तो ये है कि थोड़ा लेट हो गया या थोड़ा सा कम आया, लेकिन आता रहेगा, सामान्य से नीचे मिलता रहेगा, धन की प्राप्ति आपको होगी लेकिन सामान्य से थोड़ा नीचे स्तर पर, इस प्रकार की रहेगी। खर्च जो हैं आपके बहुत विशेष खर्च नहीं होंगे, थोड़े ही होंगे, और वो भी जहां विशेष जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार ही, जो ज्यादा आवश्यक और सही जगह पर ही खर्चा आपका होगा, अनावश्यक जगहों पर नहीं होगा, मतलब कहने का ये है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करना चाह, मतलब कोई सेल या परचेज करना है, तो ये काम आप
20 जुलाई से पहले पहले कर लीजिए, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। आप मतलब कोई भी आप अगर सेल करना चाहते हैं अपनी कोई प्रॉपर्टी तो आराम से आपकी अच्छे पैसों में आपको लाभ दे जाएगी वो, और खरीदना चाहते हैं मतलब डील आपकी जो भी होगी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत अच्छी होगी, या कोई वाहन परचेज करना चाह रहे हैं करें, जो भी काम करें खरीद फरोख्त का, चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई वाहन हो, वो 20 जुलाई से पहले पहले कर लें। यानी कि शुक्र जो है वो भी 17 जुलाई को निकल जाएंगे अपने फोर्थ हाउस से, यहाँ से जहाँ पर इस समय वो बैठे हुए हैं, तो सुख सुविधाएं आपको 17 जुलाई तक तो शुक्र अच्छी देंगे, लेकिन उसके बाद फिर किसी तरीके का कोई खरीद फरोख्त आप ना करें। बल्कि मैं तो यही कहूँगा नट शैल में कि पहली जुलाई से और माह के मध्य के बीच में ही जो करना है वो करें आप, चाहे वाहन खरीदना है या बेचना है, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है। प्रेम संबंध, लव अफेयर्स एंड आपकी मैरिड लाइफ के विषय में बात करूंगा। देखिए जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपके अफेयर्स को लेकर के अगर आप कोई एफर्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं पहले से, तो अभी आपको उसमें कोई सफलता मुझे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको जरूर ऐसा महसूस होगा कि चीजें कुछ पॉजिटिव वे में चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ हवा में होगा, एक्चुअल में नहीं होगा। तो अभी उसमें चीजों में वक्त है, तो बेहतर यही है कि आप बाकी दूसरी अच्छी चीजों की तरफ अपना फोकस करें, और क्योंकि यहां आपको कोई किसी प्रकार की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती सक्सेस की लव अफेयर्स में। और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो भी मिला जुला ही रहेगा इस माह, कभी नरम कभी गरम इस प्रकार का रहेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध भी कुछ इसी ही प्रकार के रहने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारिवारिक संबंध जो हैं उसमें कई बार ऐसा भी महसूस होगा आपको इस माह में कि कहीं कुछ गलत फहमियां आपस में बन जाती हैं, जैसे आपने ऐसा कुछ कहा नहीं, कुछ आपने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ही बन रहा है इस माह हिसाब, परिवार के और आपके बीच में थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। और छात्रों के लिए कहना चाहूंगा कि छात्र जो हैं उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि 17 जुलाई के बाद जो स्थितियां हैं वो बेटर होंगी, जो अभी चल रही हैं यानी कि माह के आरंभ से लेके और जो मध्य तक रहेंगी उससे भी कुछ थोड़ा बेटर आप अपना परफॉर्म कर पाएंगे छात्र लोग माह के अंत तक। और जो लोग अपने प्रोफेशन में हैं या जहां पर भी हैं, चाहे व्यवसाय में मतलब व्यापार करते हैं या फिर रोजगार में हैं, वे भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि वो भी जो निर्णय लेंगे इस जुलाई के महीने में वो भी उनका भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस माह में वो भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। संतान, संतान को लेकर के कैसा रहने वाला है? संतान को लेकर के माह के आरंभ से लेकर के और अंत तक सामान्य रहेगा, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक कुछ सामान्य से ऊपर भी रिजल्ट आपको देखने को संतान की ओर से मिल सकते हैं, कुछ थोड़ा सामान्य से भी बेटर, एवरेज से ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं गुड रिजल्ट्स माह मध्य से माह के अंत तक। वैसे तो ओवरऑल पूरा महीना ही संतान को लेकर के मुझे कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है ज्यादा। चीजें कुछ लगेगा बीच बीच में कि थोड़ा सा कुछ बिगड़ रही हैं या बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, चीजें आ जाएंगी अपने सही ट्रैक पर। अंत में स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए 21 जुलाई से
और उसके बाद तक यानी माह के अंत तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको 21 जुलाई से माह के अंत तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब आप कहेंगे कि आपको उपाय क्या करें। उपाय आप बहुत सिंपल हैं, करिए। आपको चौतरफा लाभ प्राप्त होगा, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आपके संतान को लेकर के है, चाहे छात्रों का है, सभी को। देखिए, गुरु में गुरु का जो है, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर मंत्रों का भी जाप नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हैं कि मस्तिष्क पे प्रातः स्नान के बाद आप केसर का तिलक लगाएं और शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। इतना काम आप करें और बुधवार, ताकि आपका स्वास्थ्य ज्यादा आपको परेशान ना करे, तो बुधवार के दिन आप गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के आप मोतीचूर के लड्डू और पान भेंट कर सकते हैं उनके श्री चरणों में। तो ये बुध का बताया हमने आपको, एक गुरु का बताया और एक शनि का बताया। शनिवार के दिन शनि का और गुरु के लिए प्रत्येक दिन केसर का तिलक लगाएं इस पूरे माह, और बाकी आप जो है बुध का करें बुधवार के दिन। ये उपाय हैं। तो ये था आप मेष राशि के जातकों के लिए माह जुलाई का राशिफल उपायों के साथ। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।